दोस्तों मुझे लगता है कि रियल स्पिरिचुअलिटी या सच्ची आध्यात्मिकता उसे कहते हैं जब आपके अंदर आपकी वजह से किसी और का भला हो की भावना जन्म लेती है। दोस्तों अगर आपकी वजह से किसी और का अच्छा होता है तो सही में आप एक आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं। मदर टेरेसा, जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा एक आध्यात्मिक लेडी थी जिन्होंने अपने बारे में नहीं औरों के बारे में सोचा। एंड ये भावना कुदरत ने हर एक इंसान के अंदर दी हुई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दोस्तों कहते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है, एंड जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड करता है। किस चीज से? बेहद खुशी से, बेहद सुकून से। दोस्तों आप याद कीजिएगा, आपने जीवन में कभी भी निस्वार्थ भावना के साथ में किसी की मदद की होगी तो डेफिनेटली दिल को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा औरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स निस्वार्थ भावना के साथ में। दोस्तों कई बार मैं जब मदद करने का बात करता हूं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं किसी की मदद करता हूं मतलब मेरे पास से कुछ जाता है। दोस्तों बट रियल डेफिनेशन, आप किसी की जब मदद करते हैं या हेल्प करते हैं समझेंगे तो मदद करने से कभी भी किसी का कुछ नहीं जाता दोस्तों, अरे वही चीज मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में वापस आती है। दोस्तों इसी का पहल करते हुए हमने भी एक छोटा सा मदद करने की भावना को देखते हुए उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, उन सभी युवाओं युवतियों ग्रामीण युवतियों के लिए अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सेमिनार रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही निस्वार्थ भावना के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। दोस्तों फ्रेंड्स ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होने वाला है 17 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो कि झिंझक टाउन में होगा। दोस्तों अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए तो आप हमें जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना सीट बुक करा लीजिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा जैसे आपकी नहाने वाला पियर सोप, हैंड वॉश, डिश वॉश, व्हाइट फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर, टाइल्स क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, इस तरह के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं जिनकी मैं डीपली नॉलेज देने वाला हूं, बनाना सिखाने वाला हूं कि किस केमिकल का क्या रोल होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस केमिकल से बनता है, क्या उसका प्रोसेस है, केमिकल आप कहां से ले सकते हैं, कौन सा केमिकल क्या काम करता है और साथ ही साथ ये केमिकल्स आपको कैसे अरेंज हो सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स ये सभी जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना आधार कार्ड का फोटो और आपका एक सेल्फी फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपकी सीट समय से बुक हो सके और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर ये सभी नॉलेज ले सके, ये सभी जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों कि आप जब अच्छे काम करते हैं दुनिया गोल है, जो भी आप अच्छे काम कीजिएगा वो सब चीजें आपके पास लौट कर वापस आएंगी। बट अच्छी बात क्या है कि कुदरत इतनी मेहरबान है कि जब भी हम कुछ छोड़ते हैं तो उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके आपकी जिंदगी में वो वापस आता है। हम हमेशा पूरी जिंदगी ये लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, बट सही में अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है, एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो ये ऊपर वाला सिर्फ आपका इंटेंशन देखता है। दोस्तों तो ये सद्भावना की शुरुआत क्यों ना आज से ही की जाए। मैं तो कहता हूं दुनिया में खुशियां फैलाई जाएं, क्योंकि अगर आप दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाना शुरू करोगे तो वही खुशियां मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में वापस आ जाएंगी। दोस्तों फ्रेंड्स भगवत गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, इस दुनिया में कोई इंसान अगर दुखी है तो आप लंबे समय तक खुश भी नहीं रह सकते हो, अगर औरों को खुशियां बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां अपने आप आ जाएंगी। दोस्तों और मैं तो ये कहता हूं आज की इस दुनिया में किसी के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाए वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का और आध्यात्मिक काम है। कहते हैं
एक उदास चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए, प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया के सबसे धनवान इंसान आप हैं। दोस्तों तो बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और जाने से पहले बस वही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने चारों तरफ रखिए साफ सफाई, अपना हमेशा ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि आज जो भी हैं जैसे भी हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं दोस्तों। सो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।